Write a program that accepts marks of 5 subjects and find the percentage and print the grade according to the following criteria. ठीक है, अगर परसेंटेज जो होती है वो 90 से लेके 100 के बीच में आती है, ठीक है, 90 से बड़ी और 100 के इक्वल या 100 से छोटी, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 100 होती है, तो फिर हमारा ग्रेड ए प्रिंट होगा. सेम 80 से ऊपर अगर और 90 से 90 के इक्वल या 90 से छोटी, 60 से अबव या 80 के इक्वल तो सी, और अगर 60 से नीचे आता है तो डी. तो इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है. सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट काम करेगा. ठीक है, पहले इफ की कंडीशन आएगी, फिर अगर इफ की कंडीशन गलत हो जाती है चेक करते हैं, पहली कंडीशन चेक कराए, फिर एल्स इफ दूसरी कंडीशन चेक कराए, फिर एल्स इफ फिर तीसरी कंडीशन चेक कराए, फिर एल्स इफ फिर चौथी कंडीशन, ऐसी कितनी भी कंडीशन आप मल्टीपल कंडीशन चेक करा सकते हो. ठीक है, अगर पहली कंडीशन सही हो जाती है तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, दूसरी कंडीशन सही होती है तो दूसरा तीसरा, ऐसी तरीके से चलता है. और कोई स्टेटमेंट नहीं होगा तो फिर लास्ट में एल्स होता है, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट, तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, वो लॉजिकल ऑपरेटर में से हमारा एंड है, दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक कराएंगे ना, तो और लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो और यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम पे सीधे. तो प्रोग्राम में हमने पहले अपनी हेडर फाइल करा दी, इंक्लूड करा दिया फ्लोट फ्लोट. ठीक है, फ्लोट पहले फ्लोट में मैंने दो इसलिए रहे कंफ्यूजन ना हो, जैसे मैंने पहले भी किया है कई बार. ठीक है, तो फ्लोट में मैंने 5 सब्जेक्ट एंटर करा लिए, S1 S2 S3 S4 S5. ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, उनका टोटल निकालना होगा और परसेंटेज चाहिए होगी. ठीक है, तो प्रिंट एफ का स्टेटमेंट हमने दिया. प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या लिखा, एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दूँ. ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज 5 परसेंटेज एफ और 5 मार्क्स हमने एंटर करा लिए यूजर से. ठीक है, फ्लोट था तो परसेंटेज एफ ले लिया. अब टोटल कराने के लिए क्या करेंगे, हमारा टोटल था वेरिएबल, तो हमने टोटल इज इक्वल टू S1 S2 S3 S4 S5 टोटल हो गया, सबको ऐड करा दिया. ठीक है, तो एक बार टोटल को आउटपुट स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करा दिया प्रिंट है, और हमने आउटपुट स्क्रीन को डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे टोटल. उसके बाद हमने परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला लिया. परसेंटेज क्या होती है, टोटल डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना 500 था इंटू 100, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आई. ठीक है, तो परसेंटेज हमारी ये परसेंटेज आ गई. उसके बाद इफ ये कंडीशन चलाई. ठीक है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ी होती है. ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज किया, और 100 से छोटी या फिर 100 होती है तो ग्रेड हमारा ए हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, ये भी ट्रू होगी ये भी ट्रू होगी तभी ये रन होगा. ठीक है, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा. फिर हम लोग एक और कंडीशन चेक कराते हैं, अगर 80 से बड़ा होता है और 90 से छोटा या 90 के इक्वल होता है तो हमारा ग्रेड बी हो जाएगा. फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन इसमें चेक कराई. ठीक है, अगर जैसे हमें साइड में देखकर क्वेश्चन में दिया है, अगर 60 से बड़ा होता है और 80 से छोटा या 80 के इक्वल होता है, ग्रेड हमारा हो जाएगा सी, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, फिर हमारा ग्रेड डी आ जाएगा. तो हमने एल्स में दे दिया परसेंट ग्रेड क्या है हमारा, प्रिंट एफ ग्रेड इक्वल टू डी, और गेट सी एच लगा दिया और प्रिंट करा दिया. ठीक है, गेट सी एच फिर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो हमने मार्क्स दिए 50 50 50 50 और 50. ठीक है, देखिए हमारा ग्रेड आया डी, परसेंटेज थी क्योंकि 50%, तो ये 60 से छोटी तो ग्रेड डी आ गया. अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं. अब जरा परसेंटेज जो होती है वो मेरी बनती है 60 से ऊपर, तो हम लोग ले लेते हैं 62 62. ठीक है, तो देखिए ग्रेड हमारा सी आ गया. फिर हमें आया
फिर मैंने कंपाइलर एग्जीक्यूट करा। अब मैं आता हूँ, जय मान लीजिए ग्रेड मेरा 80 से ऊपर, 82 ले लेते हैं, ठीक है, तो मेरा ग्रेड भी आ गया 82% पे, ठीक है। अब हमारा आ गया कंपाइल, ठीक है, और रन। अब मेरा मान लीजिए किसी का आ गया 100%, कैसे आएगा देखिए। देखिए मार्क्स दो थे, टोटल मार्क्स 500, 100% ग्रेड मेरा क्या आया, ए। तो इस तरीके से हम ग्रेड कराएंगे। कंडीशन से आपने बस ये याद रखनी है, इफ, ठीक है, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये गलत होगी तो ये चेक करेगा, ये गलत होगी तो ये चेक करेगा, ये गलत हो जाएगी तो ये वाली चेक करेगा, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये कंडीशन चेक की, अगर सही होती तो ये प्रिंट कर देगा, नहीं तो ये एक और कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, ये चेक कराई, ये भी गलत हो गई, तो ये अगर ये सब गलत हो गए तो फिर डिफॉल्ट मेरा एल्स प्रिंट हो जाएगा। बस यही प्रोग्राम है, सिंपल सा।